एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मेहनत की है. और ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत करके एक पड़ाव पे पहुंच गया और बोल दिया कि अब इतना हो गया. मैं फिर भी जीरो से शुरू करती हूँ, मैं फिर भी उतनी मेहनत करती हूँ. तो आज मुझे ना वो बात याद आ रही थी, मैं मिस पंजाब के स्टेज पे थी, अमरिंदर गिल वहाँ आए थे और अमरिंदर गिल का मुझे वो गाना बड़ा पसंद था, ना 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 ना, उन्हीं का गाना है ना. तो उस टाइम उस पर ना बड़ा तो वो अमरिंदर गिल जब आए थे और मिस पंजाब के स्टेज पर टॉप 5 पर हम थे वहां पर, तो उन्होंने कहा था अब नेक्स्ट राउंड जो है पंजाबी में आपको जवाब देना होगा. और मुझे वो याद है, वो मलाल मेरे दिल में ना उस समय से है, 2007 से वो मलाल मेरे दिल में रह गया कि काश मुझे पंजाबी आती, बोलनी आती. मैंने एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मेहनत की है. और ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत करके एक पड़ाव पे पहुंच गया और बोल दिया कि अब इतना हो गया. मैं फिर भी जीरो से शुरू करती हूँ, मैं फिर भी उतनी मेहनत करती हूँ. तो आज मुझे ना वो बात याद आ रही थी, मैं मिस पंजाब के स्टेज पे थी, अमरिंदर गिल वहाँ आए थे और अमरिंदर गिल का मुझे वो गाना बड़ा पसंद था, ना 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 ना, उन्हीं का गाना है ना. तो उस टाइम उस पर ना बड़ा तो वो अमरिंदर गिल जब आए थे और मिस पंजाब के स्टेज पर टॉप 5 पर हम थे वहां पर, तो उन्होंने कहा था अब नेक्स्ट राउंड जो है पंजाबी में आपको जवाब देना होगा. और मुझे वो याद है, वो मलाल मेरे दिल में ना उस समय से है, 2007 से वो मलाल मेरे दिल में रह गया कि काश मुझे पंजाबी आती, बोलनी आती. मैंने एक्चुअली मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मेहनत की है. और ऐसा नहीं है कि मतलब मेहनत करके एक पड़ाव पे पहुंच गया और बोल दिया कि अब इतना हो गया. मैं फिर भी जीरो से शुरू करती हूँ, मैं फिर भी उतनी मेहनत करती हूँ. तो आज मुझे ना वो बात याद आ रही थी, मैं मिस पंजाब के स्टेज पे थी, अमरिंदर गिल वहाँ आए थे और अमरिंदर गिल का मुझे वो गाना बड़ा पसंद था, ना 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 ना, उन्हीं का गाना है ना. तो उस टाइम उस पर ना बड़ा तो वो अमरिंदर गिल जब आए थे और मिस पंजाब के स्टेज पर टॉप 5 पर हम थे वहां पर, तो उन्होंने कहा था अब नेक्स्ट राउंड जो है पंजाबी में आपको जवाब देना होगा. और मुझे वो याद है, वो मलाल मेरे दिल में ना उस समय से है, 2007 से वो मलाल मेरे दिल में रह गया कि काश मुझे पंजाबी आती, बोलनी आती.